अगर आप बार बार YouTube पर ये सर्च करते हो कि ट्रेडिंग है क्या, ट्रेडिंग से पैसे कैसे कमाएं, ट्रेडिंग कहाँ से सीखे, कौन सा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बेस्ट है, कितने टाइप के ट्रेडिंग होते हैं, तो आप सही वीडियो पे पहुंचे हो। ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है, आपको यहाँ पर सारा नॉलेज मिलने वाला है A to Z। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और इसी तरीके की अमेजिंग नॉलेजेबल ट्रेडिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए विदाउट एनी सिंगल डिले वीडियो में आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं सबसे पहले ट्रेडिंग है क्या। ट्रेडिंग एक सिंपल सा ऐसा सिस्टम है जहां पर हम अपनी एनालिसिस करते हैं, अपनी नॉलेज का यूज़ करते हैं। लाइक हम किसी भी स्टॉक्स की, करेंसी की, कमोडिटीज़ की जो है फंडामेंटल और टेक्निकल नॉलेज लेते हैं और साथ ही साथ साइकोलॉजिकली हम एक डिसीजन बनाते हैं कि ये जो स्टॉक्स है या फिर पर्टिकुलर करेंसी है वो इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे अप जाएगा या डाउन जाएगा और उसके हिसाब से हम अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं और इन्वेस्टमेंट कैपिटल के ऊपर हमें रिटर्न्स मिलता है। तो ये सिंपल सा सिस्टम है ट्रेडिंग का। ट्रेडिंग की बात करूँ तो बेसिकली 4 टाइप के ट्रेडिंग आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला टाइप ऑफ ट्रेडिंग होता है जो कि होता है इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग, मतलब कि स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग, जो कि आपको पता ही होगा, आपने कहीं ना कहीं सुना होगा या फिर रील्स में आपने देखा ही होगा। सो मैं आपको थोड़ा आगे बताना चाहूंगा कि इंडियन स्टॉक मार्केट में हम स्टॉक्स पे ट्रेडिंग करते हैं, जो हमारी इंडियन कंपनी होती है उसके स्टॉक्स को हम परचेस करते हैं, सेल करते हैं और वहां पे हम प्रॉफिट निकालते हैं। ये भी बेसिकली 2 टाइप की होता है। पहला होता है इक्विटी ट्रेडिंग, जिसमें आप सिर्फ बाय करते हो और जब प्राइस हाई हो जाता है सेल करके प्रॉफिट निकाल लेते हो। लेकिन दूसरा होता है फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग, जहां पर आप बाइंग और सेलिंग दोनों करके प्रॉफिट निकाल सकते हो, बट यहाँ पे रिस्क बहुत ज्यादा होता है। साथ ही साथ आपको जो रिटर्न है वो भी काफी अच्छा मिलता है, बट वॉलिटिलिटी बहुत ज्यादा मार्केट में देखने को मिलता है। तो ये होता है सिंपल सा इंडियन स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग, जहां पे आप कर सकते हो। लेकिन सेकंड टाइप ऑफ ट्रेडिंग की मैं बात करूं तो सेकंड टाइप ऑफ ट्रेडिंग होता है क्रिप्टो करेंसी पे ट्रेडिंग। क्रिप्टो करेंसी जैसा कि आपको पता ही होगा, नहीं पता होगा तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे वीडियो देख ही सकते हो जहां पर मैंने डिटेल में बताया है कि क्रिप्टो करेंसी है क्या। क्रिप्टो करेंसी एक सिंपल सा डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। यहां पर हम क्रिप्टो करेंसी लाइक बिटकॉइन, इथेरियम पे ट्रेडिंग करते हैं। यहां पर भी सेम जैसे फ्यूचर एंड ऑप्शन होता है, सेम यहां पे भी फ्यूचर ट्रेडिंग होता है, जहां पर हम बाइंग और सेलिंग, मतलब कि शॉर्ट पोजीशन और लॉन्ग पोजीशन दोनों करके जो है वो प्रॉफिट निकाल सकते हैं। लेकिन यहां पर भी रिस्क बहुत ज्यादा होता है। थर्ड टाइप ऑफ ट्रेडिंग होता है जो कि होता है फॉरेक्स ट्रेडिंग। फॉरेक्स ट्रेडिंग में क्या होता है कि हम करेंसी पेयर पे ट्रेडिंग करते हैं, कमोडिटीज पे ट्रेडिंग करते हैं। करेंसी पेयर क्या होता है, हर एक कंट्री की अलग अलग अपनी करेंसी होती है, तो उन करेंसियों को USD के प्राइस के हिसाब से कंपेयर किया जाता है। तो वहां पे जो प्राइस में अप डाउन होता है ना, जो माइनर फ्लक्चुएशन होता है, उस फ्लक्चुएशन के बिहाफ में हम लोग जो है ट्रेड लेते हैं और प्रॉफिट निकालते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट कैपिटल के ऊपर। साथ ही साथ कमोडिटी, मतलब कि आपको पता होगा गोल्ड एंड सिल्वर, जहां पर हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, हमें पता होता है कि गोल्ड की वैल्यू कब बढ़ेगी कब डाउन होगी, तो उसके हिसाब से हम अपना नॉलेज लगाते हैं फंडामेंटली, साथ ही साथ टेक्निकली, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है साइकोलॉजिकल नॉलेज। इन सब चीज़ों का यूज करके हम जो है एक डिसीजन बनाते हैं। इन तीनों टाइप के ट्रेडिंग में एक मोस्ट कॉमन चीज़ है, वो ये है कि इन तीनों में रिस्क काफ़ी होता है, रिवॉर्ड आपको कम मिलता है। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आपको 10% निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है और वॉलिटिलिटी भी ज़्यादा होती है। लेकिन हाँ, अगर आपको नॉलेज है तो आप अच्छा रिटर्न्स ले सकते हो, लाइक 20%, 30%, 50%, 100% तक का कभी कभी रिटर्न्स आप गेन कर सकते हो। लेकिन एक फोर्थ टाइप का ट्रेडिंग होता है जो कि होता है बाइनरी ट्रेडिंग, जहां पर मैं स्पेशली वर्क कर रहा हूं। मैं चारों मार्केट में ट्रेडिंग करता हूं, बट मेरा मेन फोकस होता है बाइनरी ट्रेडिंग। मैं मेन बाइनरी ट्रेडिंग क्यों करता हूं, मैं आपको ये चीज बताना चाहूंगा। देखिए, बाइनरी ट्रेडिंग एक अलग ही कॉन्सेप्ट होता है जो कि फिक्स टाइम ट्रेडिंग होता है। फिक्स टाइम ट्रेडिंग क्या होता है, जिसमें छोटे टाइम फ्रेम 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट में हम ट्रेड करते हैं और वहां पे जो प्रॉफिट रेशियो होता है, जो रिटर्न्स होता है, वो भी फिक्स होता है। लाइक 80-90% आपको प्रॉफिट रेशियो मिलता है, बट लॉस होता है तो 100% लॉस होता है। लेकिन यहां पे क्या होता है, विद नॉलेज, विद प्रॉपर मनी मैनेजमेंट और विद साइकोलॉजी, आप प्रॉपर जब ट्रेड करते हो तो एक अच्छा प्रॉफिट आप निकाल सकते हो। इसमें मजे की बात यह होता है कि आप छोटे कैपिटल का यूज करके भी आराम से ट्रेडिंग शुरू कर सकते हो। 1000 रुपए से कोई भी जो है बाइनरी ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकता है और अपनी ट्रेडिंग जर्नी को शुरू कर सकता है। लेकिन मैं बात करूं बाकी तीनों मार्केट की, तो उन तीनों मार्केट में मिनिमम आपके पास $100 होना चाहिए। वहां से आप डेली बेसिस में $10 रन कर लिए तो बहुत है। लेकिन यहां पर अगर आपके पास सपोज दैट $100 है, तो $100 की हेल्प से डेफिनेटली आप डेली बेसिस में $50 से $100 तक का भी प्रॉफिट निकाल सकते हो, बहुत छोटा सा मिनिमम रिस्क लेकर के। लेकिन अगर आपके पास बहुत ज्यादा कैपिटल नहीं है, सपोज दैट 1000 रुपए, 1500 रुपए है, तो वहां से भी आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी बाइनरी ट्रेडिंग से शुरू कर सकते हो और उसकी हेल्प से आप डेली बेसिस में 500 से 1000 रुपए का इनकम निकाल सकते हो। मतलब कि आप अपनी कैपिटल ग्रोथ का 50-70% आराम से कैपिटल ग्रोथ कर सकते हो। तो ये बाइनरी ट्रेडिंग होता है। बाइनरी ट्रेडिंग क्या होता है, मैं आप लोगों को बता दूं। बाइनरी ट्रेडिंग में अलग अलग ब्रोकर कंपनी होता है, जैसे कि आपके इंडियन स्टॉक मार्केट में अलग अलग ब्रोकर कंपनी है, लाइक अपस्टॉक्स है, एंजल वन है, ICICI है। इसी तरीके से जो डीमैट अकाउंट होता है, उसी तरीके से यहां पर भी अलग अलग ब्रोकर कंपनी है। मैं स्पेशली बाइनरी ट्रेडिंग करता हूं क्यूटेक्स में। क्यूटेक्स पे
ट्रेडिंग करने का स्ट्रॉन्ग रीजन है, क्योंकि यहाँ पे आपका सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा होता है, डायरेक्टली सपोर्ट मिल जाता है, अगर डिपॉजिट हो या विड्रॉ हो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, ट्रेड भी अच्छा लगता है, मैनिपुलेशन का कोई चांस नहीं होता है, तो ये चीजें होती है। लेकिन बाकी अदर प्लेटफॉर्म पे मैंने देखा है कि वहाँ पे मैनिपुलेशन होता है जिसके वजह से मैक्सिमम लॉसेस देखने को मिलता है। तो मैंने सारे ब्रोकर कंपनी को यूज किया, उसमें से सबसे बेस्ट मुझे लगा क्यूटेक्स जिसको मैं अभी यूज करता हूँ। तो अगर आपके पास उसका अकाउंट नहीं है तो नीचे लिंक आपको मिलेगा, वहां से आप अकाउंट क्रिएट कर लीजिएगा और आप हमारे वीआईपी चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। नाउ ये तो सब चीजें सही है, आपने समझ लिया कि ट्रेडिंग है, कि आप ट्रेडिंग से पैसे कैसे कमाएं, तो इस चीज को समझिए ध्यान से। मैंने आपको बताया था कि ट्रेडिंग में प्रॉपर नॉलेज लेना होता है, आपको क्या करना है, पहले प्रॉपर नॉलेज लेने पर फोकस करना है, नॉलेज लेने के बाद ही ट्रेडिंग में एंटर करना है, क्योंकि देखिए ट्रेडिंग एक रिस्की गेम होता है, विदाउट नॉलेज इट्स जस्ट अ गैम्बलिंग, एक गैम्बलिंग की तरह, जुए की तरह, और यहां पे लॉस कर दोगे आप और आप जो है डिमोटिवेट होकर के, नेगेटिव होकर के ट्रेडिंग को छोड़ दोगे। आप ऐसी गलती मत करिएगा, पहले नॉलेज लीजिए, नॉलेज लेने के बाद जो है आपको अपनी ट्रेडिंग जर्नी शुरू करनी है। सो अब आपके मन में डाउट आएगा कि हम सीखे कहां से, आप यूट्यूब पर भी सर्च करते होंगे कि मैं ट्रेडिंग कहां से सीखूं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरा 40 डेज का लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम चलता है, जिसमें लाइव मैं आपको सारी चीजें सिखाता हूं, न केवल प्रैक्टिकल नॉलेज होता है, कंप्लीट सारी चीजें सीखने को मिलता है लाइव, साथ ही साथ जूम पर ही आप मेरे साथ कनेक्ट रहते हो और मैं आपको हर एक करेंसी पेयर बताता हूं कि कौन सी करेंसी पे ट्रेड लेना है, कब लेना है, कितने अमाउंट से ले, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ एज इट इज मुझे कॉपी करना है और आप वहां पर ट्रेडिंग करके प्रॉफिट भी निकालोगे। मतलब कि जो भी मैं नॉलेज आपको प्रोवाइड करूंगा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करेंगे लाइव ट्रेडिंग के थ्रू, और डेली बेसिस में छोटा छोटा टारगेट भी निकालेंगे, लाइक डेली बेसिस में 500 to 1000 rupees का प्रॉफिट निकालेंगे और मंथली जो हमारा टारगेट होता है वो 10,000 to 15,000 rupees का होता है। यहां पे आपको सारी चीजें सीखने को मिलता है, तो अगर आप चाहो तो आप हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर कंप्लीट सारी चीजें सीखने को मिलेगा, न केवल सीखने को मिलेगा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होगा, मनी मैनेजमेंट ऐसा आपको मिलेगा नेवर लॉस फॉर्मूले पे बेस्ड होगा, मतलब कि अगर आपने मेरे मनी मैनेजमेंट फॉर्मूले पे काम किया तो आप लॉस नहीं करोगे। सो कंपाउंडिंग स्ट्रेटजी भी आपको सीखने को मिलेगा, जहां पर प्रैक्टिकली मैं सारी चीजें आपको सिखाऊंगा। मैंने अपने एक्सपीरियंस अपने रिसर्च के हिसाब से बहुत सारी न्यू चीज़ें मैंने रिसर्च किया और ऐसी ऐसी चीज़ें मैंने ढूंढा कि ट्रेडिंग बहुत इजी हो सकता है आपके लिए। तो अगर आप लोग सीखना चाहते हो तो आप हमारे अपकमिंग बैच को ज्वाइन कर सकते हो, एंड वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इसी तरीके की अमेजिंग क्वालिटी कॉन्टेंट के लिए अभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरीके की अमेजिंग नॉलेजेबल वीडियोज़ मैं आपके लिए लाते रहूँगा। आपका प्यार, आपका सपोर्ट बनाए रखिए, दिल से शुक्रिया।